हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब के वीडियो को सजेस्टेड वीडियो में कैसे ला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि आपको जब भी आप यूट्यूब पे नए होते हैं तो आपका वीडियो रैंक नहीं करता है, तो रैंक नहीं करता तो आपका वीडियो सजेस्टेड में आएगा नहीं, और व्यूज भी नहीं आएगा तो आपका सजेस्टेड में नहीं आएगा। दोस्तों इस सब जानकारी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ना एक यूनिक कंटेंट पे वीडियो बनाना है। जब यूनिक कंटेंट पे आप वीडियो बनाएंगे तो वो जो कंटेंट होगा यूट्यूब वाले देखेंगे तो आपके वीडियो को ना सजेस्ट करेंगे। जब आपका वीडियो जब तक सजेस्टेड में आएगा नहीं तो आपके वीडियो पे व्यूज भी नहीं आएंगे, तो व्यूज नहीं आएंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना एक यूनिक कंटेंट में वीडियो बनाएं। यूट्यूब में आपके 100 सब्सक्राइबर या 50 सब्सक्राइबर हैं तो आपके वो 50 सब्सक्राइबर के आसपास में ही, मतलब छोटा बहुत कम लोग आपके वीडियो को देखेंगे, जिससे आपका वीडियो तो सजेस्टेड किया जाएगा। यूट्यूब वाले आपका सजेस्टेड में वीडियो देंगे, किसी को रिकमेंड करेंगे कि आप इनके वीडियो को देखें, लेकिन आपका जो थंबनेल होगा और वीडियो का ओरिएंटेशन होगा आपको वो बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे। तो आपको वीडियो का क्वालिटी जो है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब तो मैं यही बताऊंगा कि कभी कभी YouTube ये होता है कि आपका वीडियो को किसी के YouTube वीडियो के नीचे सजेस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको कि आपको एक हैशटैग बनाना है। हैशटैग बनाएंगे तो आपको जो YouTube में वीडियो बना रहे हैं तो वो उस हैशटैग का आप यूज करके आपके वीडियो जो है वो सजेस्टेड में आ सकता है। क्योंकि जैसे हैशटैग बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने चैनल का नाम लेना है और नाम लेकर हैज लगाना है, और हैज लगाकर आपको टैग क्रिएट करना है। जैसे हैज, और जैसे मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन टेक, तो मैं लिखूंगा हैज एजुकेशन टेक। इसमें दोस्तों आपको कोई भी स्पेस डालने की जरूरत नहीं है। जब ये हैशटैग बना लेंगे तो इस हैशटैग को आपको डिस्क्रिप्शन में भी डालना है और जो टैग बॉक्स होता है उस टैग बॉक्स में भी डालेंगे। दोस्तों ये डालने से क्या होगा, यदि आप कोई वीडियो आपका कोई व्यूअर्स प्ले कर रहा है तो प्ले कर रहा है तो वो वीडियो देखेगा, तो उसके नीचे जो होता है उसके नीचे में 10 वीडियो जो होता है सजेस्टेड किया जाता है यूट्यूब के द्वारा। तो उसमें जब ये टैग आप यूज करेंगे ना, तो आपका भी जो वीडियो है आपके चैनल से रिलेटेड और जितने भी बाकी के वीडियो हैं वो भी आपके इस टैग हैशटैग यूज करने के वजह से आपका वो वीडियो भी सजेस्ट करेगा। तो सजेस्ट करेगा तो आपका वो भी वीडियो देखेंगे लोग, और देखेंगे तो धीरे धीरे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा ट्रिक हमारा सजेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे आप YouTube पे सर्च किया रोटी कैसे बनाए, तो रोटी कैसे बनाए जैसे कोई भी व्यूअर सर्च किया तो सर्च करने के बाद देखेगा कि उस पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसका है और व्यूज किस पर ज़्यादा है, तो लोग उसी वीडियो को लोग देखते हैं। तो दोस्तों करना क्या है कि आपको ऐसे ही जैसे 5-6 यूट्यूबर्स को सर्च करना है, जैसे जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं तो वैसे ही आप 5-6 यूट्यूबर्स को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद देखेंगे कि आपका उन पे किस किस यूट्यूबर्स का व्यूज और सब्सक्राइबर ज़्यादा है, तो उनका टैग जो है कॉपी करना है। दोस्तों टैग कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक टैग यू नाम का एक एप्लीकेशन आता है जो आप प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब में सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड 5-6 यूट्यूबर्स आपके आएंगे जो बहुत सारे उनका व्यूज होगा और सब्सक्राइबर भी होगा। तो उस उनके वीडियो को लिंक को आपको कॉपी करना है। ठीक है, बारी बारी सब कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आप उनके वीडियो को लिंक को कॉपी करके आप जो टैग यू नाम का एप्लीकेशन है उसमें आप पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद आपको वहां से टैग को निकाल लेना है। ठीक है, वहां से टैग आप निकाल लेंगे, और टैग निकालने के बाद उनके जो टैग है आपको उस उनकी वीडियो में से टैग को निकालने के बाद आप उनके टैग को कॉपी कर लेंगे जो आपको अच्छा लगे। ये जो टैग है ये 5 यूट्यूबर्स का, इनमें से आपको 4-5 या 6-7 आपको टैग निकाल लेना, और वो जो टैग आपको अच्छा लगे उसी टैग को आपको अपने वीडियो में दोस्तों अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे आप अपने वीडियो में अप्लाई करेंगे तो होगा ये कि जैसे रोटी कैसे बनाए, तो रोटी कैसे बनाए यदि कोई सर्च करता है तो उनका जो टैग आप यूज करेंगे
तो जब उनका वीडियो जब चल रहा था तो जो नीचे में जो सजेस्टेड वीडियो होगा ना दोस्तों, तो उनके सजेस्टेड वीडियो में आपका भी जो है वीडियो सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है आपके वीडियो को सजेशन में लाने का, ये बहुत ही दो बेहतरीन तरीका है जो बहुत ही न्यू यूट्यूबर्स को पता नहीं होता, तो मैं सोचा चलो आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं ये दो ट्रिक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है अपने वीडियो को सजेशन में लाने के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन है नए यूट्यूबर्स के लिए, जो नए यूट्यूबर्स यूट्यूब में आते हैं तो उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होता है, तो मैंने सोचा चलो इस चीज़ को नए यूट्यूबर्स के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक दोस्तों आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।